होंडा कंपनी आज के समय में ऐसा ब्रांड बन चुकी है जो पावर एंड क्लास का दूसरा नाम है। होंडा की शुरुआत आज से 75 साल पहले हुई थी, साल 1948 में, जिसे शुरू करा था सुचिरो होंडा ने। होंडा का सफर कैसा रहा, होंडा कैसे एक ऐसा ब्रांड बना जिसे हर कोई पहचानता है, वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे होंडा ऐसा ब्रांड बन सका जिसे हम आंख बंद कर भी विश्वास कर सकते हैं। होंडा के फाउंडर सुचिरो होंडा का जन्म 17 सितंबर 1906 को कोमियो गांव में हुआ, इवाटा डिस्ट्रिक्ट में हामामासु शहर के पास। उनके फादर का नाम गेही होंडा था एंड मदर का नाम माइक होंडा। होंडा के फादर पेशे से लोहार थे, साथ ही वह पुरानी खराब साइकिलों को ठीक कर उन्हें बेचने का काम भी करते थे। होंडा को अपने बचपन से ही औजारों के साथ खेलना काफी पसंद था, वह अपने फादर की भी हेल्प करते थे उनके काम में। होंडा को पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद नहीं था, जिसके कारण होंडा ने जब वह सिर्फ 16 साल के थे पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद काम की तलाश करने लगे, जिसके बाद उनकी नजर अखबार में आई एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी ज्योति कंपनी आर्ट शुकोई की तरफ से, जिन्हें अपनी कंपनी के लिए मैकेनिक की जरूरत थी। होंडा को काम की जरूरत थी, इसलिए वह टोक्यो चले गए काम करने के लिए, लेकिन उनकी एज कम होने के कारण उन्हें सिर्फ साफ सफाई का ही काम मिला कंपनी की तरफ से। होंडा को बचपन से ही चाहे औजार हो या गाड़ियां, वह उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते थे। बल्कि जब वह काफी छोटे थे तब उन्हें पहली बार अपने गांव में कार दिखी। कार में से आ रही पेट्रोल की स्मेल भी उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि वह कहते थे कि पेट्रोल की स्मेल बिल्कुल एक परफ्यूम की तरह ही खुशबूदार होती है। होंडा कंपनी में सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय थे, वह मैकेनिक का काम सीखना चाहते थे, इसलिए अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगे काम को सीखने के लिए, जिसे उनके मैनेजर उनके जुनून से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने होंडा को दूसरी ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार्स मैन्युफैक्चर होती थी। होंडा ने काम बहुत जल्दी सीखा और बहुत अच्छे मैकेनिक साबित हुए। कंपनी ने 23 नवंबर 1924 को चौथी जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और कंपनी की कार इस रेस में पहले स्थान पर आई, जिसे बनाने में होंडा ने भी अपना योगदान दिया था, जिसके बाद कंपनी की गाड़ियां धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी। कंपनी भी अपनी और ब्रांचेस खोलती गई, जिसमें एक ब्रांच के सुपरविजन के लिए कंपनी ने होंडा को जिम्मा सौंपा। कंपनी के साथ 6 साल तक जुड़े रहने के बाद होंडा अपने घर वापस आ गए, जिसके बाद होंडा ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करा साल 1938 में। होंडा ने जिसके बाद शुरुआत करी अपनी कंपनी टोकाई सिकाई की, जिसमें उन्होंने शुरुआत करी पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करने की। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों मैनेजरों से मिलने के बाद उन्हें टेंडर मिला टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करने का। टोयोटा के लिए रिंग्स बनाने के बाद धीरे धीरे होंडा को रिलाइज हुआ कि जिन रिंग्स को वह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना पा रहे जो टोयोटा को असल में चाहिए। अभी एक झटका होंडा को मिला ही था कि एक और झटका बॉम्ब के रूप में आकर उनकी लाइफ में फटा। वह था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर U-29 बॉम्बर अटैक करवाया था, जिसमें होंडा की कंपनी के यामाशिता प्लांट और 1945 के मिकावा अर्थक्वेक के कारण इवाटा प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसके बाद प्लांट्स के कुछ बचे हुए अवशेष जैसे मशीनरी उन्होंने सब टोयोटा को ही सेल कर दिया 450,000 युआन में। ऑफिस शुरुआत करी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1946 में।